कानपुर, मैं हूँ सूरज की उगती हुई किरणों के बाद सबसे पहले जो आपका स्वागत करता है वही आपका दोस्त आरजे अजय। और आज जो चीज सबसे तेज होने वाली है वो है कानपुर वासियों की धड़कने, क्योंकि आज सीबीआई इंटरोगेशन करने वाली है उस केस के सिलसिले में जिसने न सिर्फ कानपुर बल्कि पूरे देश को कई सारे सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ संदीप चौबे एनकाउंटर केस की। सीबीआई आज एसपी सिंह को इंटरोगेट करने वाली है और अब देखना ये है कि इस पहेली के और कितने छिपे हुए पहलू सामने आते हैं। खैर वो तो आगे बढ़ते वक्त के साथ पता चल ही जाएगा, फिलहाल तो उस तरफ मुड़ने का वक्त हो गया है जिस तरफ एक खूबसूरत सा गाना आपका इंतजार कर रहा है। सो एंजॉय द ट्रैक, दिस इज आरजे अजय कानपुर। Good morning, sir. Good morning, Mr. Singh. How are you? Fine, sir. Please have a seat. कहिए मिस्टर सिंह, कैसे रहे आपके पिछले पांच दिन? बस सर वही जो काम किया है उसी का रिएक्शन देख रहा था। पब्लिक का क्या रिएक्शन है, मीडिया का क्या रिएक्शन है, इस बारे में हमारा डिपार्टमेंट क्या कह रहा है, और हाँ आपकी इंक्वायरी का भी वेट कर रहा था। ठीक है तो हम शुरुआत से ही शुरू करते हैं। आप हमें ये बताइए कि चौबे के केस की शुरुआत कहां से हुई? काए गांडो न थीरे, काए केलो न थीरे, कोई थी छचरा ये वो बोड़ो न थीरे। काए गांडो न थीरे, काए केलो न थीरे, कोई थी छचरा ये वो बोड़ो न थीरे। हो कोई थी छचरा ये वो बोड़ो न थीरे। रुक रुक रुक, गाड़ी पीछे ले, पीछे ले। हाँ आने मुजीत,
હું કાંઈ ગાંડો નથી રે, હું કાંઈ કેલો નથી રે, કોઈથી છતરાવ એવો ભોળો નથી રે. હું કાંઈ ગાંડો નથી રે, હું કાંઈ કેલો નથી રે, કોઈથી છતરાવ એવો ભોળો નથી રે. और आज से ठीक 5 महीने पहले मेरी शहर में पोस्टिंग हुई. और आप तो जानते ही हैं कि शहर के कुछ खास लोगों के बारे में पुलिस को आए दिन इत्तला रहती है. लेकिन मेरी पोस्टिंग के 1 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ कि जिस वजह से मुझे संदीप चौबे की जानकारी कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी. मिस्टर सिंह, इन दिस केस कैन यू बी मोर स्पेसिफिक? क्यों ना आप हमें सीधी तरह से बताएं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था? Why not, sir? सर, हमारे शहर में काफ़ी सारे ड्रग डीलर हैं और इन ड्रग डीलरों के बीच में माल बेचने के चक्कर में आए दिन मुठभेड़ होती रहती है. साला, तुमरे बाप का माल है का भोसड़ी के? हैं? साला माल को कुछ भी हुआ ना तो यहाँ के यहाँ गाड़ देंगे, समझे? सॉरी सॉरी बल्लू भैया. कहाँ सॉरी, कहाँ सॉरी है, कहाँ सॉरी, कहाँ सॉरी? बल्लू भैया हट. एक तो तुम ना हमरे सामने इतनी अंग्रेजी मत जड़ा करो. साला अंग्रेज चले गए और उनकी नाजायज औलाद यहाँ छोड़ गए. और ऐसे कहा टुकुर टुकुर का देखो तो है. साला माल को कुछ भी हुआ ना तो तुम्हारी मैया चोद देंगे. कर मुन्ना है का देख लिए है बेटा? हमारा एफिल टावर देख लिए का? चलो लगो भोसड़ी के काम पे. पूरे नशे की मात छोड़ी. बलवा जी. भैया जी, काम हो गया का? जी हो गया भैया. ठीक है, घर पे आ. ठीक है, आ रहे जी, अब भी आए. और किधर काम पहुंचा भोसड़ी के? भैया जी, अगली बार नहीं होगा भैया जी, जाने दो ना भैया जी. अबे बहनचोद,
बहुत मार खाया तू। तुमका पता है कि हमारा माल कि हमारे अलावा किसी और के पास जाए वो हमका पसंद ना ही है, फिर भी तूने बेचा। भैया जी गलती हो गई, भैया जी अगली बार नहीं होगा। भैया जी अबे मादर चुत, हमरे यहां एक कहावत है कि माफी मांगने वाला इंसान औरत के पल्लू की तरह कमजोर होता है, और कमजोर इंसान हमका पसंद ना ही है। प्रणाम भैया जी। बैठ बैठ बलवा बैठ। क्या बात है भैया जी ऐसे बुलाया? बल्लू ये मिनिस्टर के बच्चे ने हमारे नाक के नीचे दम करके रखा है, इस बार उस माल की डिलीवरी मिल गई ना तो हमारी नाक कट जाएगी। बलवा तोहरी जिम्मेदारी है किसी भी तरह उस तक माल पहुंचना नहीं चाहिए, समझ रहे ना? ठीक है भैया जी, इस बार शिकायत का मौका ना देंगे हम आप। माल भी हमरा होगा और बेचेंगे भी हम ही। क्या बात है बेटा। चले चले जल्दी कर, देख तो। ठीक है साहब। थोड़ा जल्दी जल्दी करो।
प्रणाम भैया जी। देखिए, हम कहे थे ना कि बार तो माल हमारा ही होगा। और हाँ भैया जी, मंत्री के आदमी की तो मात छोड़ती, साला हमरे सामने हो रहे थे। लेकिन हमने भी कह दिया, अगर कोनो भैया जी के सामने हुआ तो गांड मार लेंगे। सही किया बल्लू, अब ठीक से माल को ठिकाना भी लगा दो। जी भैया जी। मंत्री जी, क्या कहना है? जो भी लगता है कि अब तेरे दिन भर चुके हैं। मैंने तुझे पहले कहा था कि मेरे माल पर नजर मत डालना। लेकिन सीधी बात तेरे दिमाग में बैठती ही नहीं। ए मंत्री, अपनी आवाज नीची रखिए। हम कुछ बोलते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास छुपा नहीं है। मैं देखिए मंत्री जी, आपने ये कहा था कि माल उसी का होगा जो पहले उतारेगा और बेचेगा भी, तो बस अपनी जुबान मुंह में रख के फुलवा रख दीजिए, उसी में आपका फायदा है, समझे? देख चोगे, अगर इसी तरह चलता रहा तो हम दोनों के धंधे का नुकसान होगा। बेहतर यही होगा कि हम दोनों मिलकर इस मसले का निकल आए। आज रात को मिलते हैं मेरे फार्म हाउस पे। ठीक है, अब आप कह रहे हैं तो करना ही पड़ेगा ना हमको। आएंगे, जरूर आएंगे, मिलते हैं रात को। हाँ चलिए। बेटी चोट साला, तो चलिए जाते हैं, मैया चोट के आते हैं उनकी। या विदेशी? देखिए मंत्री जी, हमारे पास टाइम नहीं है, जो भी कहना है अभी कह दीजिए, हमें निकलना है। और हाँ, सुबह जो आपका माल उतारा है वो अभी तक ऐसे ही पड़ा है, उसे बेचना भी तो है, है? देख चुके, हमारे आपसी झगड़े से हम दोनों का नुकसान हो रहा है, इसलिए हम दोनों को एक डील करनी होगी। बंदर से उस साइड का हिस्सा तेरा और इस साइड का हिस्सा हमारा होगा, ताकि हम एक दूसरे के रास्ते बनाएं और आराम से धंधा करें और सब ये लड़ाई झगड़ा छोड़ दे।
ठीक है। चलते हैं। भैया जी, आप इतनी आसानी से सौदा कर लिए। उस साले मंत्री के बच्चे को ना अपनी कुर्सी का बहुत ही पावर है। आप कहें तो साले के पिछवाड़े से उसकी कुर्सी खींच लेंगे। देख बलवा, इतना आसानी से सौदा किए है, पर माने या ना माने ये तो हमने नहीं कहा है ना। ये क्या कह रहे हैं आप भैया जी? अबे बलवा, हमारे रास्ते में आज तक बहुतन आए और गए, उका का करना है तू अच्छी तरह से जानता ही है ना। बस मंत्री का भी कर दे। सही है भैया जी, हो जाएगा। बादर चोट साला। कहाँ मंत्री जी, तिल कर लिए? हाथ बहुत सड़ी गए। क्या हुआ मंत्री जी, इतना में ही गांड पड़ गया का? हाँ, वैसे भी कुर्सी बहुत ही गर्म हो रही थी तुम्हें, गांड तो फट नहीं थी है? अरे कोई मार दिया रे हमारे मंत्री जी को। अरे कोई आओ रे आओ। अरे मंत्री जी ये देखिए, उन्होंने मार दिया रे। देखिए उन्होंने मार दिया। चलिए सर, अब जाना पड़ेगा। हाँ,
मिस्टर सिंह, कंप्लीट तो करते जाओ पूरी बात को। अरे सर, अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, और वैसे भी आप लोग तो मुझे बुलाने ही वाले हैं इंट्रोगेशन के लिए, तो आगे का कल कंप्लीट करेंगे। चलिए सर, चलता हूँ। जय हिंद सर। हेलो, काम हो गया है? और उस कार का? अच्छा ठीक है, लेकिन कार को इस तरह ठिकाने लगाना कि कोई सबूत ना बचे।